السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बमा तौफीक इल्ला बिल्ला, अल्लाह की तौफीक से, उसके करम से, उसके रहम से, उसकी बहुत ज्यादा एहसान और मेहरबानी से आज हम फिर सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आके बैठे हैं। ये अल्लाह का हम पे बहुत बड़ा फजल है कि उसने हमें तौफीक दी कि हम अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को पढ़ें, उससे अमल के ढेर सारे मोती लें और अपने आप को इस काबिल तो बना सकें कि उम्मते मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहला सकें। आज की नशिस्त में जो हम पढ़ेंगे इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है मुसलमानों की हिस्ट्री में कि उसकी डिटेल्स, उसकी बातें और डिटेल्स और नंबर से ज्यादा उसकी ईमान अफरोज वाकयात हर मुसलमानों के टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो अल्लाह सुबहान व तआला पे हमारा ईमान और बढ़ाती हैं और हमें तौफीक देती हैं कि मुश्किल हालात में भी हम सिर्फ अल्लाह पे भरोसा करके अल्लाह की खातिर, अल्लाह के दीन की खातिर लड़ जाएं, मर जाएं और अल्लाह की राह में निकल जाए। आइए आज की नशिस्त का आगाज करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फाऊजु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी श्रहली सदरी व यस्सिरली अमरी व हलुल उक्दतम मिन लिसानी यफ्कहु क़ौली, रब्बी ज़िदना इल्मा, रब्बी ज़िदना इल्मा, रब्बी ज़िदना इल्मा, اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين। पिछली नशिस्त में हमने पढ़ा था कि जंगे बदर उला कैसे हुई और बहुत से लोगों को इस बारे में पता ही नहीं था कि जंगे बदर के दो नाम हैं, एक जंगे बदर उला और एक जंगे बदर कुबरा। और उससे पहले हमने पढ़ा था गजवा और सीरिया का फर्क। गजवा वो होता है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत फरमाई और सीरिया वो फौज थी या वो एक सहाबा का दस्ता था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मकामात पे उनकी सिपा सहलारी में भेजे ताकि दुश्मनों से दिफा किया जा सके। आज की नशिस्त के कुछ अहम डेट्स, कुछ अहम लोग वो के बारे में पहले ही आपको बता दूंगी ताकि खाका साहब के जहन में बन जाए और बहुत सी चीजों को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाए। सबसे पहले लिखिएगा कि गजवाए बदर कुबरा, जिसको हम सब जानते हैं, 17 रमजान 2 हिजरी को पेश आई। और ये कहाँ पे हुई? ये बदर के कुएं के करीब हुई। बदर का कुआं मदीना के करीब था और वहां पे ये अजीम जंग पेश आई। इसमें मुसलमानों को फैसला कुन फतह नसीब हुई। अब अगर देखा जाए तो दो फौजें थी, एक फौज वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
सरपरस्ती में, उनकी सिपा सलारी में, उनकी सरबराही में निकली, वो थी मुसलमानों की फौज। मुसलमानों की फौज थी, और दूसरी थी कुफारे मक्का की फौज। कुफारे मक्का की फौज को लीड कर रहा था अबू जहल, और मुसलमानों की फौज को लीड कर रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत हमजा बिन अब्दुल मुतलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हो साथ साथ थे। तादाद के एतबार से देखें तो 313 मुसलमानों की तादाद थी, जिसमें बहुत थोड़े से घोड़े, दो घोड़े और 70 ऊंट थे। तादाद देखें 313, और सवारियां कितनी है, दो घोड़े और 70 ऊंट। और दूसरी तरफ देखा जाए तो कुफारे मक्का की लीडर अबू जहल के अंदर जो लोग आ रहे थे, उनके पास क्या साजो सामान था? 1,000 फौज थी, घोड़सवार फौज जो थे, 100 घोड़े थे उनके पास, और 170 ऊंट थे। 100 घोड़े और 170 ऊंट। अगर देखा जाए तो दुनियावी तरीके से हम देखें तो हमें वो फौज बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है, कुवत के एतबार से भी और तादाद के एतबार से। उसे मुसलमानों की फौज बहुत थोड़ी है, वो तो 1/3 है उनकी फौज से, और उनके पास सामान भी नहीं, उनके पास सवारियां भी नहीं। लेकिन ऐसा क्या था उनके पास कि उन्होंने गलबा पा लिया और कुरैश मक्का को शिकस्त दी? इस पे गौर करिएगा, और आपका ईमान इतना ताजा होगा कि जब पूरे ईमान के साथ अल्लाह की राह में मैं किसी भी महाज पे लड़ जाऊंगी तो हो ही नहीं सकता कि मुझे शिकस्त, और हो सकता है कभी दुनिया के सामने शिकस्त हो या दुनिया की आंखों में शिकस्त हो, लेकिन फिर भी वो मेरी जीत होगी। इस जंग के नतीजे में 14 मुसलमान शहीद हुए थे। मुसलमान कितने शहीद हुए थे? 14, और 70 काफिर जो थे वो मारे गए और 70 कैद कर लिए गए। ये था एक छोटा सा ब्रीफ पिक्चर, ताकि आपको दिल में एक शौक पैदा हो, एक जोक पैदा हो कि आज आप कितने मजे की चीज पढ़ने वाले हैं, कितना बड़ा गजबा पढ़ने वाले हैं, वो गजबा जिसके बाद से मुसलमानों का गलबा, उनकी फतह जो थी वो यकीनी हो गई, और कुफार के दिल में उनकी धाक बैठ गई। आप सोचे, हमने मक्की जिंदगी पढ़ी और हमने देखा कैसे मुशरिकीने मक्का मुसलमानों पे जुल्म करते थे, लेकिन वो रिप्लाई नहीं करते थे, ना जबान से, ना हाथ से, ना किसी भी तरीके से। तो उनके जहन में क्या इमेज होगा मुसलमानों का? इनको तो डिफीट करना बड़ा आसान है, ये तो कुछ भी नहीं करेंगे, ये क्या जवाबी कार्रवाई करेंगे, ये कुछ नहीं कर सकते। इसी माइंड फ्रेम के साथ वहां से अबू जहल निकला होगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं आया था, तब तक सहाबों को क्या किया था? तैयार, वो तैयार हो गए थे हर तरह से, फिजिकली और मेंटली भी। और सबसे ज्यादा जिस चीज ने तकवीयत दी वो था मुसलमानों का ईमान। उन्हें 100% यकीन था कि इस दफा हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे हैं, अल्लाह ताला हमें रुसवा नहीं करेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर बहुत ज्यादा देखिएगा, हम सब इंडिविजुअल तौर पे अपने घरों के लीडर्स होते हैं, अपने घरों में फैसले करने वाले या कुछ करने वाले, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है फैसले करने की पावर आपको ज्यादा मिलती जाती है, और आपने लीड करना होता है। आप चाहे अपने खानदान को कर रहे हो, अपने घर को कर रहे हो, अपने कारोबार को कर रहे हो, एक लीडर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, एक लीडर को कैसा होना चाहिए, उसे कैसे इंतजाम करना चाहिए। और सबसे मुश्किल हालातों कि जब ये भी पता है कि तादाद भी कम है, हथियार भी नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, तब उसका क्या रद्देमल होगा जो उसके साथ रहने वाले लोगों को तकवीयत देगा? इस पे बहुत गौर करिएगा। आइए आज की नशिस्त का आगाज करते हैं। गज़वाए बदर कुबरा कुरैश और मुसलमानों के दरमियान पहला फैसला कुन मारका था। ये वो मारका था जिसमें हक और बातिल अलहदा अलहदा हो गया था, जिसमें हक को गलबा मिल गया था और बातिल को शिकस्त मिली थी। इसका सबब ये हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस काफिले के लिए जुल अशीरा तशरीफ ले गए और जो बचकर शाम चला गया, आप इसकी ताक में थे। एक काफिला शाम से
सामान लेके वापस जा रहा था मक्का की तरफ, और ऐसा रास्ता था कि शाम से पहले मदीना और फिर मक्का जाना पड़ता था। ठीक, उस काफले के कौन थे लीडर? अबू सुफयान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस काफले के लिए गए जुल अशीरा के जगह पे, लेकिन वो काफला निकल चुका था। आप इसकी ताक में थे और इसकी खबर लाने के लिए आपने शाम के मकाम पूरा तक दो आदमी भेजे थे। चुनाचे जैसे ही ये काफला वहां से गुजरा, उन्होंने जल्दी से मदीना खबर पहुंचाई, और खबर मिलते ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हों को निकलने की दावत दी, लेकिन निकलने को जरूरी भी नहीं करार दिया। चुनाचे इस दावत पर 313, 314 या 317 आदमियों ने लबैक कहा। इनकी तादाद ज्यादा मशहूर जो है वो 313 है, लेकिन कुछ रिवायतों के लिहाज से 314 भी है और 317। आपने हमने पीछे पढ़ा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबास की ड्यूटी लगाई थी और डिफरेंट जगहों पे लोगों को भेजते थे कि देख करो वहां पे क्या हो रहा है। ठीक है, एक काफला अबू सुफयान के सरबराही में शाम से मक्का की तरफ जा रहा है, लेकिन उसे पता था कि मदीना से होकर गुजरूंगा और मदीना में मुसलमान है। जहन में उसके ये भी था, अबू सुफयान बहुत लेट जाके ना उन्होंने इस्लाम कबूल किया, लेकिन एज अ लीडर वो बहुत अटेंटिव थे, उनका माइंड अटेंटिव था। लीडर की क्वालिटी रखे, ये लीडर सोया हुआ दिमाग का नहीं हो सकता कि मैं सोया हुआ हूँ और मैं देखूंगा जब होगी, नहीं, वो ये भी सोचता है कि ये होगा तो क्या करना है, ये क्या करना है। वो अटेंटिव दिमाग का होता है, हमेशा जागा होता है। वो काफला आ रहा है, इधर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सहाबा को भेजा कि जब इस मकाम पे वो निकले तो मुझे बताना। जैसे उन्होंने बताया कि वहां से काफला आ रहा है, तो आपने सहाबा को कहा कि तैयार हो जाइए, हमें जंग के लिए जाना है। लेकिन क्या हुक्म दिया था या फिक्स किया था? नहीं, मर्जी पे छोड़ दिया था कि जो जाना चाहे वो जरूर आए और जो ना जाना चाहे उस पर कोई रोक टोक नहीं है। अगर किसी को हम कहें ना जनरली कि ये काम है आप कर लें, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे करें, तो जो एकदम से उसके उठ काम को करेगा, कैसे दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है, इसने मेरी बात कितनी जल्दी मान ली, इसको एडवांटेज भी नहीं मिल रहा। लेकिन कुछ है जो बैठ के देखते रहेंगे, हमें कहा तो नहीं है कि हम करें, जब कहेंगे तो कर लेंगे, और जब कहेंगे तो कर लेंगे, तो जो एकदम से उठ के करने वाले उनके रिवॉर्ड में, और जो कहेंगे कर लेंगे रिवॉर्ड में, और दिल में उनसियत में कितना फर्क होता है, इस बात को समझिएगा। जो 313 आदमी थे उनमें से 82 या 83 या 86 महाजरीन थे, 82, 83 या 86 महाजरीन थे, और 61 कबीला औस के और 170 कबीला खजरज के अंसार थे। महाजरीन कितने थे? 82, 83 या 86, कबीला औस के कितने लोग थे? 61, और कबीला खजरज के कितने अंसार थे? 170। औस और खजरज कौन है? वो दो कबीले जो मदीना में रहते थे, उनमें से जो लोग इस्लाम ले आए थे उनको क्या कहते थे? अंसारुल्लाह। उन्होंने मुकम्मल तैयारी भी नहीं की थी, सवारी में सिर्फ दो घोड़े थे और 70 ऊंट। अब ऊंट की तादाद में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम अवॉइड करेंगे क्योंकि हमारा मकसद तादाद से नहीं बल्कि नतीजे से है। दो घोड़े और 70 ऊंट थे। अब 313 आदमी है, ऐसे समझिए कि एक गाड़ी है जिसमें 6 बंदों के बैठने की जगह है, 10 बंदे खड़े हैं, हम क्या करेंगे? अपने पे लें? ओहो, इसमें तो जगह ही नहीं है, मैं तो जा ही नहीं सकती, मैं तो नहीं जा रही, आप लोग जाएं। ये आते ना फौरन जाएं। दूसरा आता है, नहीं, मैं तो देखे ना जगह नहीं है, मेरे पास जवाज भी है, दो घोड़े 70 ऊंट, बंदे कितने? 313। तो डिवाइड करके देखें कि कितनी कितनी देर कौन कौन बैठता हो। और दिल में ईमान इतना था, तकवा इतना था कि खुद नहीं बैठते थे, कोई और अगर कहता तो कहते नहीं यहाँ बैठे रहे, एक दूसरे का ख्याल कर। अल्लाह की राह में जब निकलने के लिए कहा जाए, हम उस तरह तो जंग नहीं कर रहे, लेकिन निकलने के लिए क्या है? अगर हम दीन की तालीम ले रहे हैं, किसी भी तालीम में फौरन लबैक कर, ये मत देखे जगह है नहीं है, कल होगा नहीं होगा, मुझे क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, हो सकता है मेरी बारी ना आए, लेकिन अपनी तैयारी हमने क्या रखनी है? पूरी। ये हमने लेना है बहुत बड़ा सबक इधर से। दोस्त ऊंट थे 100 या 70 ऊंट थे, दो घोड़े थे, अगर चाहते तो वो कहते जी हमारे पास तो सवारी नहीं है, हम नहीं जा सकते, तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज होते? जवाज तो था लेकिन बहाने नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए सफेद झंडा बांधा और इसे हजरत मौसब बिन उमेर के हवाले कर दिया। इसके अलावा एक झंडा महाजरीन का था जिसे हजरत अली बिन अबू तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हो के लिए हुए,
और एक झंडा अंसार का था जिसे साद बिन माज रजी अल्लाह ताला ने उठा रखा था। झंडे डिवाइड करने का बेसिकली क्या था, टू ऑर्गेनाइज देम। अगर किसी भी जगह जाते हैं ना तो कहते हैं ये हेड है, ये मैनेजर है, ये नीचे ये डेजिग्नेशंस हैं। तो जब इस तरह सपा सहलार बना दिए गए, खुद मेन थे, फिर साथ इंसार को महाजर को झंडे दे दिए, उसे क्या था बेसिकली टू ऑर्गेनाइज देम। उसके बाद मदीने का इंतजाम, आप जा तो रहे हैं तो पीछे क्या, पीछे कोई भी नहीं होगा, हमेशा अकलमंद लोग अगर कहीं जा रहे होते हैं पीछे क्या सोच छोड़ते हैं, एक बंदा जो पीछे के निजाम को संभालता है। पीछे का इंतजाम इब्ने उमे मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले किया। और अगर आपको पता हो तो उमे मक्तूम वो थे जो नाबीना हैं, नाबीना के हवाले कर, वो आंखों से देख नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने ऑफर की कि मैं जंग पे तो नहीं जा सकता, लेकिन आप बेफिक्र होके जाइए, मैं यहाँ पे सब इंतजाम संभाल लूंगा। अभी तक आप सबको यकीन आ जाना चाहिए कि इस्लाम की राह में एक मुसलमान भी ये नहीं होता कि वो जाया हो या वो किसी काबिल ना हो। छोटे छोटे काम करने वाले को भी अल्लाह बेहतरीन नजर देता है। अगर वो अपने आप को प्रेजेंट ना करते तो उनको वो रुतबा मिलता जो आज मिला हुआ है। अपनी डिसेबिलिटीज को या अपनी कम एबिलिटी को ये ना समझे कि मैं नहीं, अल्लाह ने जब काम करवाना होता है अल्लाह ताला एबिलिटीज पैदा कर देता है। यकीन जाने मेरे अंदर कोई एबिलिटी नहीं है, ये कोई अल्लाह ने मुझसे काम कराना था कि मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। अपने आप को बहुत कीमती, बहुत बड़ा समझिए, आप बहुत सब इम्पोर्टेंट हैं मुसलमान होने की हैसियत से। उसके बाद जब वहां से वो निकले, लेकिन रूहा पहुंचकर इनकी जगह अबू लुबाबा बिन अब्दुल मंजर रजी अल्लाह ताला अन्हो को रवाना फरमाया। कुछ वजूहात ऐसी हुई, उन्होंने ऑफर किया, उन्होंने कहा ठीक है यहाँ के इंतजाम आप संभालें, लेकिन रूहा के मकाम पर वो चेंज करके अबू लुबाबा बिन अब्दुल मंजर को वहां पे भिजवा दिया। ये क्या सिखा रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से मदीना आए हम देख रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने ऑर्गेनाइज्ड थे, वेल डिसिप्लिन्ड थे, उन्होंने हर चीज का इंतजाम किया था। अगर किसी को लीडर बनने का शौक है, किसी को हेड बनने का शौक है, उसको क्या होना है, ऑर्गेनाइज। वो ये नहीं कह सकता कि आज तो मेरी आंख नहीं खुली, मैं लेट हो गया तो मैंने ये काम नहीं किया, या आज फलाना मसला हो गया। ये आगे आप पढ़ते जाएंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों की डेथ हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग पे थे, आपकी बेटियों की डेथ हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे। कभी इतनी बड़ी बड़ी चीजों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रीजन नहीं दिया, हम कितनी छोटी छोटी बातें करते हैं। जब हम दीन के रास्ते में आते ना, छोटी सी बात, मेरी सर में दर्द था तो मैंने ये नहीं किया, मेरी तबीयत खराब थी ये, या मेरे घर में था ये, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल टूटा हुआ था जब हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो और आपके चचा चल बसते, फिर भी आप ताइफ की तरफ गए थे। ये सारी चीजें आपको तैयार करती हैं, हमने असली मुसलमान बनना, हमने नाम का मुसलमान नहीं बनना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से निकले तो बदर मंजिले मकसूद थी, उन्होंने एग्जैक्टली जाना था बदर, लेकिन हमने पीछे पढ़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहीं जाना था आप सहाबा को बता देते एग्जैक्टली कहाँ जाना है, क्यों नहीं बताते थे? इसमें हिकमत अमली ये थी कि पीछे से कोई ना कोई जासूस था या कोई बंदा ऐसा था जो खबरें देता था। तो आपने डायरेक्ट रूट नहीं लिया बदर की तरफ, आप घूम के लंबे रास्ते से बदर की तरफ गए। और हमारे लिए अमल का पॉइंट क्या है, जरूरी नहीं है कि हर बात सबको बताई जाए, और इसमें कोई मुजायका नहीं है, हिकमते अमली कहते हैं इस चीज को। ये मदीना के जनूब मगरिब में 155 किलोमीटर के फासले पर वाकया है, इसे हर तरफ से बुलंद पहाड़ों ने घेर रखा है। याद रखिएगा, ये समझें कि ये बदर का मैदान है और हर तरफ से बुलंद पहाड़ों ने उसे घेर रखा है। आमदोरफ्त के सिर्फ तीन रास्ते हैं, एक जनूब में जिसे अल उदवातुल कुस्वा दूर का नाका कहा जाता है, दूसरा शमाल में जो अल उदवातुल दुनिया करीब का नाका कहलाता है, तीसरा शुमाली रास्ते के करीब ही मशरिक में है और इसे अहले मदीना आते जाते थे। तो सबसे मक्के से शाम आने जाने वाले काफिलों का रास्ता इसी अहाते से गुजरता था। मैंने आपको बताया है कि मक्के से शाम जो जाते थे और वहां से वापस आते थे, वो तीसरे रास्ता जो करीब का रास्ता था वहां से गुजर के जाते थे, तो वहीं पे उन्होंने अपना पड़ाव डाला। इसमें कुछ मकानात, कुएं और बागात भी थे, इसलिए काफले अमूमन यहाँ पड़ाव डालते थे और कई घंटों से लेकर कई दिनों तक ठहरते थे, लिहाजा ये बात बहुत आसान थी कि
कि इस अहाते में कुरैश का काफिला उतरने के बाद मुसलमान तीनों रास्ते बंद कर देते और काफिले अपने आप को इनके हवाले करने पर मजबूर हो जाते। लेकिन इस तदबीर का लाजमी तकाजा ये था कि काफिलों को मुसलमानों के निकलने के मुतल्लिक इल्म ना होता कि वो गफलत में बदर के अंदर आते। तीन रास्ते हैं, ये तरीका हो सकता था कि तीनों तरफ से, दोनों तरफ से वो घेराव कर लेते, वो निकल ही नहीं सकते, तो उनको सरेंडर करना पड़ता। लेकिन वो तब हो सकता था जब कुफार को पता ना चलता कि वो अटैक करने वाले हैं। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने से निकले तो आपने पहले पहल जो रास्ता इख्तियार किया वो बदर के बजाय कहीं और जाता था, फिर बहुत धीमी रफ्तार से बदर की जानिब पेशकदमी फरमाई। अपनी इंपॉर्टेंट चीजों को क्या हमें एकदम बता देना चाहिए सबको? बहुत दफा अब तो ना इतना गंदा वाला टाइम आ गया, जरा सी कोई चीज होती है फेसबुक पे लगा रहे हैं, इंस्टा पे लगा रहे हैं, फिर कहते हैं वो नजर लग गई, 90% चीज उसी वक्त खराब हो जाती है, क्योंकि आपको क्या पता हासिद कौन है और सही कौन है। और इसी तरह ये था कि अभी कोई पता नहीं था कि मुनाफिक कौन है और सही मुसलमान कौन है। उसमें हमें क्या दिखाया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट रूट नहीं लिया, आप निकले, पता था कि एक जगह जाना है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर अपने मकाम पर आप वापस आए। जहां तक काफिले का ताल्लुक है तो उसमें 1,000 ऊंट थे, जिन पे आप जो काफिला, काफिले से आप मुराद करें, काफिला कौन सा था, काफिला कौन सा था जो कौन लेकर आ रहा था? अबू सुफयान, शाबाश। जहां तक काफिले का ताल्लुक है तो अब जो काफिला आ रहा है आप सोचो उसमें कितनी चीजें हैं। 1,000 ऊंट थे जिन पर कम से कम 50,000 दिनार की मालियत का सामान लदा हुआ था। काफिला आ रहा है जो अबू सुफयान ला रहा है, 1,000 ऊंट, समझे 1,000 गाड़ियां, गाड़ी की इक्विलिटी थी ना, 1,000 गाड़ियां थी, 50,000 दिनार की मालियत का सामान लदा हुआ था, इसका सालार अबू सुफयान था और इसके साथ सिर्फ 40 आदमी थे। इतनी चीजें लेकर आ रहा है लेकिन सिर्फ 40 आदमी थे। अगर वो उनके हाथ लगता तो कितना आसान होता कि मुसलमान उन्हें फौरन शिकस्त देते, 40 आदमी कितने फौरन शिकस्त देता और उनके पास इतना सामान आता। अबू सुफयान हद दर्जा बेदार और मुहतात था। मैंने आपको बताया लीडर कैसा होना चाहिए, बेदार, जागा हुआ और मुहतात, कॉशियस। हर आने वाले मुसलमान से मुसलमानों की नकलो हरकत के मुतालिक दरियाफ्त करता रहता था। जो बंदा मिलता था ना कहता था वहां पे मदीना में क्या हो रहा है, वहां पे लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे क्या कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कुछ लोगों की बड़ी आदत होती है वैसे ही आके बैठेंगे तो आपकी अगले पिछले ऊपर नीचे सारी बातें आपसे पूछ लेंगे। चुनाचे अभी वो बदर से काफी दूर ही था कि इसे मुसलमानों के निकलने का इल्म हो गया, लिहाजा इसने काफिले का रुख मगरिब की तरफ फेरा, फेर कर साहिल का रास्ता पकड़ लिया। डायरेक्ट उसने आना था शाम से मदीना, मदीना से मक्का, लेकिन यहां से आने के बजाय वो इधर चला गया साहिल, और साहिल पे लिख लिए जद्दा, जद्दा से होता हुआ वो मक्के की तरफ जाएगा। उसने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर ली, पर छोड़ दिया। साथ ही एक आदमी को उजरत देकर मक्का भेजकर जिस कदर जल्द मुमकिन हो उन्हें मुसलमानों के निकलने की इत्तला दे दे। इस शख्स ने खबर पहुंचाई तो अहले मक्का नहायत तेजी से तैयार हुए और सबके सब निकल पड़े। साथ ही उसने क्या किया, फौरन से बंदे को पैसे दिए और भिजवाया कि हमारे पे अटैक होने वाला है, वहां से निकले, वहां से फौज लेके निकले। ये बताता है कि वो कितने जागे हुए माइंड के थे और कितने ब्राइट थे। अबू लहब के सिवा बड़ों में कोई पीछे नहीं रहा। मक्के में बहुत से सरदार थे, सिर्फ अबू लहब था जो नहीं आया, बाकी अबू जहल और बहुत ज्यादा सरदार, तमाम सरदार जो थे वो जंग के लिए निकल खड़े हुए। अबू लहब के सिवा बड़ों में कोई पीछे ना रहा, आसपास के कबाइल के आदमी भी साथ ले लिए। कुरैश के बड़ों में सिर्फ बनु अदी ने इसमें शिरकत ना की, सिर्फ एक कबीला था बनु अदी, उसने शिरकत ना की। जब ये लश्कर जाफा पहुंचा तो इसे अबू सुफयान का पैगाम मिला। जब ये जाफा पहुंचे तो उन्हें पैगाम मिला जिसमें इसने अपने बच निकलने की इत्तला दी, जिसने उसने बताया कि हम बच निकले, आने की जरूरत नहीं है, आप बेशक पलट जाए। अब क्या था, लेके निकले उधर से पैगाम आया था, जंग के लिए निकल गए, पता भी चल गया जाफा के मुकाम पे कि नहीं हम बच गए, हम आ रहे हैं सुकून से, आप वापस चले जाएं। लेकिन नहीं पलटे, क्यों? अना बहुत थी, तकबुर बहुत था, चीजों का गरूर बहुत था कि हम वहां जाएंगे, वहां पे महफिलें लगाएंगे, खूब उनको कत्ल करेंगे और फिर अपनी धाक बिठाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था, बेसिकली उनको वहां पे क्या बुला रही थी, उनकी मौत। मगर अबू जहल, आप देखिएगा जो होता है ना,
अब एक किरदार है जो सोच समझ के चल रहा है। अबू जहल जो था वो बहुत ही अनापरस्त था, खुद परस्त था, मगर अबू जहल अपने तकबर और नकुवत के सबब आड़े आ गया और कहा कि कोई वापस नहीं होएगा, सिर्फ बनू जोहरा अपने हलीफ और रईस अखनस बिन शुरैक सख्ती की राय पर वापस हुए। अबू जहल ने कहा जी हम नहीं जा रहे वापस। अब ये क्या हुआ, हम लड़ाई के लिए निकले, हम ऐसे चले जाए हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। बहुत दफा देखा नहीं है कि बड़े बड़े लोग अपनी इज्जतों के नाम के पीछे बड़े बड़े फसाद करा देते हैं, हमारी इज्जत क्या रह जाएगी अगर हम अभी ये नहीं करेंगे और गलत गलत फैसले कर देते हैं। सेम यही पैटर्न है जो अबू जहल का आप देखेंगे। सिर्फ कौन, बनू जहरा का जो कबीला था वो वापस से लग गया, ये 300 अफराद थे, बाकी 1,000 नफर के लश्कर ने अपना सफर जारी रखा। आने का अदवा कस्बा के करीब पहुंचकर बदर के बाएं पहाड़ों के पीछे एक वसी मैदान पर पड़ाव डाल दिया। बदर के बाहर पहाड़ों के करीब वहां पे उन्होंने अपना पड़ाव डाल दिया। उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते ही में अहले मक्का के खरूज का इल्म हो गया, रास्ते में उन्हें पता चल गया कि मक्का से लड़ाई के लिए लोग आ चुके हैं। आपने मुसलमानों से मशवरा किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी खूबसूरत आदत है मशवरा करते, हालांकि आप तो रसूल थे, आप तो रहबर थे, आप तो सरबराह थे, आप चाहते तो खुद डिसीजन करते, लेकिन हर हर काम पे आपने देखा है कि आप मशवरा करते थे सहाबा कराम से। मशवरा किया, इस पर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु उठे और अच्छी बात कही। अच्छी बात क्या कही कि हम आपके साथ हैं, डोंट वरी, लेट्स गो। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला उन्हें उठे और अच्छी बात कही। फिर हजरत मिकदाद रजी अल्लाह ताला अन्हु उठे, उनकी बात बहुत खूबसूरत है। इन सहाबी का नाम आपको और किसी जगह पे ज्यादा नहीं मिलेगा, हजरत मिकदाद रजी अल्लाह ताला अन्हो। लेकिन उन्होंने बात ऐसी की कि बदर का वाकया जब भी आता है तो उनका नाम जरूर मेंशन किया जाता है। ए अल्लाह के रसूल, वल्ला हम वो बात नहीं कहेंगे जो बनी इसराइल ने मूसा से कही थी, तो तुम्हारा रब जाओ लड़ो, हम यही बैठे हैं। लेकिन क्या सहाबा ने ऐसा किया, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कि आप लड़ लें, इतने लोग आ रहे हैं हम नहीं लड़ेंगे, नहीं, उन्होंने कहा हम आपको ये बात नहीं करेंगे। जब मुश्किल हालात होते हैं ना, जब आपको एक बंदा भी कह दे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, आप ब्रेव हो जाते, आप कॉन्फिडेंटली खड़े हो जाते हैं। और अगर एक मुश्किल हालात हो लेकिन आपके साथ कोई भी ना हो तो आपकी बैकबोन जो होती है वो टूट जाती है। बेसिकली मकसद क्या था कहने का कि हम आपके साथ हैं, बल्कि हम आपके दाएं और बाएं और आगे और पीछे से लड़ेंगे, आपको कुछ नहीं होने देंगे। और जब मुश्किल होती है, जब कोई परेशानी हो, चाहे जिस्मानी तकलीफ हो, चाहे माली तकलीफ हो, चाहे किसी रिश्ते की तकलीफ हो, आपके साथ लोग खड़े हो जाए, कहते हैं फिक्र मत करो हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, आपको ऐसे नहीं लगता कि आपके अंदर एक नई जिंदगी आ गई है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी अच्छी बात लगी कि आपका चेहरा मुबारक दमक उठा और आप मसरूर हो गए। अमल की बात क्या है, अच्छे वक्त में तो सब साथ देते हैं, याद वो रहते हैं जो मुश्किल वक्त में साथ। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों मुझे मशवरा दो। इस पर इंसार के रईस हजरत साद बिन माज उठे और अर्ज बर्दाश्त हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गोया आप हमारी तरफ इशारा फरमा रहे हैं, तो इस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, अगर आप हमें समंदर पर ले चलें और इसमें कूदना चाहें तो हम इसमें भी आपके साथ कूद पड़ेंगे और हमारा एक आदमी भी पीछे ना रहेगा। हमें कतन कोई हिचकिचाहट नहीं है कि कल आप हमारे साथ दुश्मन से टकरा जाएं। हम जंग में पालमर्द और लड़ने में जवामर्द हैं और तवक्को है कि अल्लाह आपको हमारा वो जौहर दिखलाएगा जिससे आपकी आंखें ठंडी हो जाएंगी, लिहाजा आप हमें लेकर बढ़ें, अल्लाह बरकत देगा। उन्होंने गुफ्तगू के दौरान में ये भी कहा, इस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, अगर आप पेश कदमी करते हुए बरकह फमा तक जाएं तब भी हम आपका साथ देंगे। इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुशी की लहर दौड़ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो और खुश हो जाओ, क्योंकि मुझसे अल्लाह ताला ने दो गिरोहों में से एक का वादा फरमाया है। वल्ला इस वक्त में गोया कौम के कत्लगाहें देख रहा हूँ। जिस रात मुशरिकीन पहुंचे, वहां पहुंचकर आपने मैदाने बदर के अंदर अदवाए दुनिया के करीब पड़ाव डाला, लेकिन हजरत हबाब बिन मंजर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने मशवरा दिया कि आप आगे बढ़ चलें और जो चश्मा दुश्मन के सबसे ज्यादा करीब है इस पर पड़ाव डालें, ताकि मुसलमान हौज बनाकर अपने लिए पानी जमा कर लें और बकिया चश्मों को पार दें, इस तरह दुश्मन पानी से महरूम रह जाएगा। चुनाचे आपने यही किया,
फिर मुसलमानों ने एक छप्पड़ बनाया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत गाती। इस पर हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हों ने कमान में अंसारी नौजवान की एक जमात पहरे और हिफाजत के लिए मुकर्रर कर दी। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर की तरतीब फरमाई और मैदान जंग का चक्कर लगाया। वहां आपने हाथ का इशारा करके फरमाया, ये कल फलां की कतलगाह है और ये कल फलां की कतलगाह है इंशाअल्लाह। ऑर्गेनाइजेशन आपको नजर आ रही होगी। फिर एक दरख्त की जड़ के पास नमाज पढ़ते हुए रात गुजारी। जंग है, पहली जंग है, मुसलमानों की तादाद इतनी कम है, कुफार इतने ज्यादा हैं, नमाज पढ़ेंगे हम, तैयारी करें। हर हाल में मदद करने वाला कौन है? लेकिन मुश्किल के वक्त क्या हमें ये याद रहता है? नहीं। अगर हमारे घरों में शादी हो जाए ना, तो सबसे पहले क्या इफेक्ट होती है? हमारी इबादत और हमारी नमाज। जंग का मैदान है, पूरी रात क्या करते रहे? नमाज पढ़ते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, सहाबा कराम सोते थे फिर जागते थे, लेकिन जो लीडर होता है उस पे ज्यादा जिम्मेदारी होती है। मुसलमानों ने भी भरपूर एतमाद के साथ पुरसकून रात गुजारी। सकून किस बात का था मुसलमानों को? उन्हें पता था तादाद कम है, उन्हें पता था कि हम अभी ट्रेंड नहीं है, पहली जंग है। पहली दफा जो भी चीज होती है ना, उसमें बंदा एंग्शियस होता है। पहली दफा आपने जो जो काम किया होगा, आपको डर लग रहा होगा सही होना हो, लेकिन पुरसकून, क्योंकि जो अल्लाह पे तवक्कल करके निकलता है उसको सुकून की राहत मिल जाती है। और अल्लाह ने बारिश नाजिल फरमा दी अल्लाह होकर। आप बहुत थके हो या कहीं सफर से आए हो, तो बंदा क्या कहता है, यार मैं 1 मिनट शावर लेकर आता हूँ, मैं फ्रेश हो जाऊँ। और जैसे ही आप शावर लेके आते हैं, नहा के आते हैं, आप फ्रेश फील करते हैं ना, अल्लाह ताला ने सकीनत के लिए बारिश नाजिल फरमा दी, तो सारे सहाबी क्या हो गए? फ्रेश हो गए। जैसा कि इसका इरशाद है, जब अल्लाह तुम पर अपनी तरफ से अमन व बेखौफी के तौर पर नींद तारी कर रहा था और तुम पर आसमान से पानी बरसा रहा था ताकि तुम्हें इसके जरिए से पाक कर दे और तुमसे शैतान की गंदगी दूर कर दे और तुम्हारे दिल मजबूत कर दे और तुम्हारे कदम जमा दे। जब भी कभी बुरा ख्याल आ रहा हो ना किसी के भी बारे में, कई दफा ना ऐसे ही किसी से चिड़ होना शुरू हो जाती। आपके हो सकता है कि वर्किंग स्टाफ में से किसी से आपको ऐसी इरिटेशन हो रही हो, या घर में किसी से आपसे बर्दाश्त ना हो रहा हो, नहा लिया कर। शैतानी वसवसों से, शैतान की गंदगी से आपको इंशाल्लाह सुकून मिल जाएगा। फिर सुबह भी, यानी जुम्मे की सुबह 17 रमजान सन 2 हिजरी को दोनों फौजों का आमना सामना हुआ, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह, ये कुरैश हैं जो अपने गरूर और तकबर के साथ तेरी मुखालिफत करते हुए और तेरे रसूल को झुटलाते हुए आए हैं। ए अल्लाह, तेरी मदद जिसका तूने मुझसे वादा किया है, ए अल्लाह आज इन्हें ईंट कर रख दे। फिर आपने सफे बराबर की, सफे बराबर करना, सबको चेक करना, उनको एक तरफ एक जैसा करना बहुत जरूरी है, और यही अमल हमें नमाज में भी नजर आता है। फिर आपने सफे बराबर की और फरमाया, जब तक मेरा हुक्म ना आ जाए लड़ना शुरू ना करें। जब तक हुक्म ना आ जाए क्या ना करें? लड़ना शुरू ना करें। नेज फरमाया, जब वो तुम्हारे करीब आ जाए तो इन पर तीर चलाना और अपने तीरों को बचाए रखने की कोशिश करना, और जब तक वो तुम पर छा ना जाए तलवार ना खींचना। जब भी इंसान कोई काम करने वाला होता है तो बड़े जोश में क्या होता है, होश को खो बैठता है। जो बहुत ज्यादा जोश में थे मुसलमान और पहली दफा कर रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको नसीहत कर रहे हैं कि एकदम से अटैक ना कर देना, एकदम से सारे तीर मत कर देना, तीर बरसाना, लेकिन जब तक करीब ना आ जाए अटैक ना करना, जब करीब आ जाए तो तलवार और तीरों से अटैक करना। दूसरा क्या करना कि उनके थोड़े से तीर जो थे वो बचा के रखना। इसके बाद आप छप्पड़ में वापस आ गए, आपके साथ अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। आपने अल्लाह अजवाजल से बड़े सोज के साथ दुआ की, यहाँ तक के फरमाया, ए अल्लाह, अगर आज ये जमात हलाक हो गई तो कभी तेरी इबादत ना की जाएगी। ए अल्लाह, अगर तू चाहे तो आज के बाद कभी तेरी इबादत ना की जाएगी। जब भी कोई मुश्किल आती है, हम इंतजाम तो करते हैं, हम कोशिश करते हैं, लेकिन एक चीज हम क्या भूल जाते हैं, अल्लाह से दुआ कर। और हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? अल्लाह से, कोई मुश्किल आ जाए, बड़ी से बड़ी मुश्किल आ जाए, एक बात पल्लू से बांध लें कि सबसे पहले मैंने अल्लाह को पुकारा,
अल्लाह को याद करना है, उससे भरपूर दुआ करनी है, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के दुआ करनी है। उसके बाद क्या करना है, जितने वसायल और चीजें हमें चाहिए वो हमने अपनाने हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब खलूस के साथ दुआ की, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर आपके कंधों से गिर गई। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने चादर दुरुस्त की और अर्ज परवाज हुए, ए अल्लाह के रसूल बस फरमाइए, आपने अपने रब से जी भर कर दुआ फरमा ली। ये भी तो कर सकते थे कि कहते बस तैयारी करो, गन्स रेडी करो, गन्स और यानी कि तीर कमान रेडी करो, चेक करो, पोस्ट चेक करो, नहीं, सब कुछ बता दिया और उसके बाद लग गए अल्लाह से दुआ करने के लिए। दूसरी तरफ मुशरिकीन की सूरत हाल ये थी कि अबू जहल ने अल्लाह से फैसले की दुआ की, इसने कहा ए अल्लाह, हम में से जो फरीक कराबत को ज्यादा काटने वाला और गलत हरकतें ज्यादा करने वाला है, इसे आज तोड़ दे। ए अल्लाह, हम में से जो फरीक तेरे नजदीक ज्यादा महबूब और ज्यादा पसंदीदा है, आज इसकी मदद फरमा दे। अबू जहल भी तो दुआ कर रहा है, वो भी किससे कर रहा है, ये क्या दोनों तो दुआ कर रहे हैं, लेकिन एक वो है जो हक के रास्ते पे है, जो जिसका अकीदा दुरुस्त है, जो प्रॉपर है, एक वो है जो नहीं मान रहा, जो कराबत के तासुब में फंसा हुआ है। इसके बाद कुरैश के तीन बेहतरीन सवार उतबा शेबा फरजंदाने रबिया और वलीद बिन उतबा आगे बढ़े और मुसलमानों को दावत मुबादरत दी। जवाब में इंसार के तीन जवान निकले। पहले जंग ऐसे नहीं होती थी कि लोग सोए में बच्चे सोए में बम फेंकना शुरू कर दो, जंग के भी आदाब होते, तरीके होते थे। अब तो कोई पता नहीं चलता, बेचारे नमाज पढ़ रहे हैं उनपे बम फेंक रहे हैं, लोग सोए हुए उनपे बम फेंक रहे हैं। तीन लोग निकले मुशरिकीन से और तीन लोग निकले इधर मुसलमानों से। मुशरिकीन ने कहा हम अपने चचेरे भाइयों को चाहते हैं, चुनाचे आप हजरत उबैदा बिन हारिस, हमजा और अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने शैबा को और अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वलीद को ठिकाने लगा दिया। अलबत्ता उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु और उतबा के दरमियान दो जरबों का तबादला हुआ और एक ने दूसरे को अच्छी तरह जख्मी कर दिया, लेकिन इतने में हजरत अली और हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने अपने शिकार से फारिग होकर उतबा पर टूट पड़े और इसे कत्ल करके हजरत उबैदा को उठा लाए। इनका पांव कट गया था, इस वजह से 4 या 5 दिन बाद मदीना वापसी के दौरान सफरा में इनका इंतकाल हो गया। मुबाजत का नतीजा मुशरिकीन के लिए बुरा साबित हुआ, चुनाचे वो गुस्से से बेकाबू होकर मुसलमानों की सफों पर नहायत तंदी के साथ टूट पड़े और मर्दे वाहिद की तरह यकबारगी हमला कर दिया, लेकिन मुसलमान अपनी जगह पर जमे रहे, भागे नहीं, डरे नहीं, कम थे, इतने ज्यादा लोग देखे घबराए नहीं, तवक्कल अल्लाह पे रख कर क्या किए, जमे रहे और अपना दिफा कर रहे थे और आहद आहद कह रहे। किसे मदद मांगे जा रहे हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं और मदद अल्लाह से मांग रहे हैं। जिंदगी में अपनी जंगों में लड़ते रहे, हर किसी में की जिंदगी में जंग है, हर ने अपनी जंग लड़नी है, आप जंग लड़ते जाएं और अल्लाह को पुकारते जाएं। उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक झपकी आई, फिर आपने सर उठाया और फरमाया अबू बकर खुश हो जाओ, तुम्हारे पास अल्लाह की मदद आ गई, ये जिब्राहील हैं, अपने घोड़े की लगाम थामे आगे आगे चल रहे हैं, इनके जोड़ों पर गर्दोगुबार है। इस दिन अल्लाह ने 1,000 फरिश्तों के जरिए से मुसलमानों की मदद की थी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा पोश सिपाहाना शान से आगे बढ़े, इस वक्त आप ये आयत तिलावत फरमा रहे थे, अनकरीब ये जत्था शिकस्त खा जाएगा और पीठ फेर कर भागेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी कंकरीली मिट्टी ली और उन्होंने फूंक मारी और कहते हैं कि ये मिट्टी जो थी हर मुशरिक की आंखों में गई, उसका एक एक दाना हर मुशरिक की आंखों में गया, कोई मुशरिक इससे बच ना सका। इसी के मुतल्लिक अल्लाह ताला ने फरमाया जब आपने फेंका तो दर हकीकत आपने नहीं फेंका बल्कि अल्लाह ने फेंका। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मुशरिकीन पर हमले का हुक्म और जंग की तरगीब देते हुए फरमाया चढ़ दौड़ो। चुनाचे मुसलमान जिनका जोश जहाद अभी शबाब पर था चढ़ दौड़े और इनके जोश और खरोश में ये देखकर मजीद तेजी आ गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेनफ्स नफीस इनके दरमियान मौजूद हैं और सबसे आगे बढ़कर लड़ रहे हैं। चुनाचे वो सफों की सफें धरम भरम करने और गर्दने काटने लगे। फरिश्तों ने भी इनकी मदद की,
वो भी मुशरिकीन की गर्दनें मारते और जोड़ों पर जर्ब लगाते थे। चुनाचे जिस आदमी का सर कट कर गिरता उसे पता न चलता कि किसने मारा है, और आदमी का हाथ कट कर गिरता और पता न चलता कि किसने काटा है। यूं मुशरिकीन पर शिकस्त नाजिल हो गई और उन्होंने राह फरार इख्तियार की, और मुसलमानों ने इनको शिकस्त दे दी। किसी को कत्ल किया और किसी को कैद कर दिया। उधर मुशरिकीन की ताईद में मुसलमानों के खिलाफ इनको भड़काने के लिए इबलीस भी सराका बिन मालिक बिन जाशिम की शक्ल में हाजिर हुआ। जब इसने फरिश्ते और इनकी कार्रवाइयां देखी तो उल्टे पांव पलट कर भागा और अपने आप को बहरे अहमर में जाकर डाल दिया। एक और मकाम हमने पीछे पढ़ा है जहां पे इबलीस आया था। प्रॉपर बैठ के उसने मुशरिकीने मक्का के साथ निगोशिएट किया था। वो कौन सा मकाम है था? जब मुशरिकीने मक्का बैठ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश कर रहे थे तो वो किसकी शक्ल में आया था? नजदी शेर की शक्ल। इबलीस कभी पीछे नहीं रहेगा, और यहाँ पे भी आया, लेकिन जब उसने हाल देखा फिर वो पलट पड़ा। और कुरान पाक में मुख्तलिफ जगह पे आप पढ़ते हैं कि कयामत के दिन जब इबलीस शैतान को लाया जाएगा, इबलीस को लोग कहेंगे कि तुम हमें कर रहे थे, वो कहेगा मैं नहीं करता था, तुम लोग खुद करते थे जो करते थे, डालो इनको आग में, दो इनको ज्यादा अजाब। आज हम लोग हर चीज वेस्ट के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, या हम कहते हैं आज का फैशन है उसके अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। असल में तो हम इबलीस के कदमों पे चल रहे हैं और बड़े प्राउडली होकर हम कहते हैं हमें कर रहे हैं। याद रखिए इबलीस ही है जो आपको कहेगा आपको सख्त अजाब आए। कुरान में बार बार कहा गया है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, उसके खुतवात शैतान शैतान के कदमों पे मत चलो। क्या आज हम उसकी पैरवी कर रहे हैं? और उसकी पैरवी करके किसको तस्कीन देने? अपने नफ्सों को। हमेशा याद रखिए हमें वो जो है वो गहरे गढ़ों में जरूर डालेगा। अबू जहल का हमने पढ़ा कि काफिला पलटने वाला था। अबू सुफियान ने बता दिया कि मैं तो खैरियत से आ रहा हूँ, तुम लोग चले जाओ, लेकिन अबू जहल ने अपनी अना की वजह से क्या कहा? नहीं, हम जंग करेंगे। तो देखिए अबू जहल एक ऐसे गिरोह में था जिन्होंने इसके गिर्द अपनी तलवारों और नेजों की बाढ़ कायम कर ली, मतलब हर तरफ से घेर लिया। उधर मुसलमानों की सिफ में अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हों के इर्द गिर्द दो अंसारी जवान थे जिनकी मौजूदगी से वो मुतमईन ना थे। इतने में मतलब के दो छोटे बच्चे थे। अब देखिए एक ऐसा इंसान जिसको इतना तकब्बुर है, मैं क्या चीज हूँ, उसको अल्लाह ताला शिकस्त दे रहा है किसके हाथों, कैसे उसका तकब्बुर जाया हो रहा है। दो अंसारी जवान थे जिनकी मौजूदगी से वो मुतमईन ना थे। इतने में एक ने अपने साथी से छुपा कर इनसे कहा, चाचा जान मुझे अबू जहल दिखला दीजिए। उन्होंने कहा इसे क्या करोगे? उन्होंने कहा मुझे बताया गया है कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देता है, इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर मैंने इसको देख लिया तो मेरा वजूद इसके वजूद से जुदा ना होगा, यहाँ तक कि हम में से जिसकी मौत पहले हो वो मर जाएगा। कहते हैं ये दो बच्चे थे जिनकी माँ ने इनको बताया कि अबू जहल कौन है और कैसे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाज़ेबा बातें कर रहे। कितना ईमान था इन बच्चों के दिल में और किसने डाला होगा? माँ ने। एक माँ का कैरेक्टर क्या होता है? क्या वो कहे बच्चों को जो करना है करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो जैसे मर्जी करें, आजकल का दौर है? नहीं, हकीकत से आगाह करें, बेटा जी ये शैतान का रास्ता है, ये हक का रास्ता है, इस पे चलोगे जन्नत पाओगे, फलाह पाओगे, इस पे चलोगे जहन्नुम की आग का ईंधन बन जाओगे। आज माए अपने कैरेक्टर से अपनी तरबियत से गाफिल हो। इतने में दूसरे ने भी यही बात की। इसके बाद जब सफें फट गई तो अब्दुल रहमान बिन औफ ने देखा कि अबू जहल चक्कर काट रहा है। उन्होंने दोनों को इससे दिखलाया। वो दोनों अबू जहल पर झपट पड़े और तलवार मारकर उसे कत्ल कर दिया। एक ने पिंडली पर जर्ब लगाई, इसका पांव यूं उड़ गया जैसे मूसल की मार पड़ने पर गुठली उड़ जाती है, और दूसरे ने बुरी तरह जख्मी कर दिया और इस हाल में छोड़ा कि सिर्फ सांस आ जा रही थी। इसके बाद दोनों रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। दोनों का दावा था कि मैंने कत्ल किया है। आपने तलवारें देखी और फरमाया तुम दोनों ने कत्ल किया। किससे शिकस्त खा गए? बच्चों से। और उसके अंदर तकब्बुर इतना था कि वो मरते हुए भी क्या कह रहा था देखिएगा। ये दोनों जवान उफरा के साहबजादे माज और मऊज रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। मऊज तो इसी जंग में शहीद हो गए, अलबत्ता माज रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत तक जिंदा रहे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
उन्हीं को अबू जहल का सामान दिया, उन्होंने मारा था, इसीलिए अबू जहल से जो भी सामान मिला था, माले गनीमत, वो उन्हीं को दिया गया। मार्का खत्म हो गया तो लोग अबू जहल की तलाश में निकले। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने इसे पा लिया, अभी इसका सांस आ जा रहा था, उन्होंने इसकी गर्दन पर पांव रखा और सर काटने के लिए दाढ़ी पकड़ी और फरमाया, ओ अल्लाह के दुश्मन, आखिर अल्लाह ने तुझे रुसवा किया ना। इसने कहा, मुझे काहे को रुसवा किया, क्या जिस शख्स को तुम लोगों ने कत्ल किया है इससे ऊपर भी कोई आदमी है? अब भी तक तकबर की इंतहा देखें, सिर्फ सांस आ रही है, गर्दन पे पांव है, तो क्या कह रहे, मुझे कैसे रुसवा किया है, क्या जिसको तुमने मारा है इससे ऊपर कोई आदमी है? फिर बोला, काश मुझे किसानों के बजाय किसी और ने कत्ल किया होता। अभी भी तकबर के, मुझे लो कास्ट वालों ने, किसानों ने कत्ल किया है, मुझे कोई बड़ा आदमी कत्ल करता तो मुझे दुख ना होता। तकबर इतनी बुरी चीज है। इसके बाद कहने लगा, मुझे बताओ आज फतह किसकी हुई? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल की। अबू जहल ने कहा, ओ बकरियों के चरवाहे, तू बड़ी मुश्किल जगह पर चढ़ गया। इसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इसका सर काट लिया और खिदमते नबी में हाजिर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सबसे बड़ा है, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने अपना वादा सच कर दिखलाया, अपने बंदे की मदद फरमाई और तन्हा सारे गिरोहों को शिकस्त दे दी। फिर फरमाया, ये इस उम्मत का फिरौन। फिरौन के बारे में आप सब जानते होंगे कि जब वो डूब रहा था तब उसने कहा था कि मैं मूसा के रब पे ईमान ले आए, लेकिन अबू जहल जो है वो तो इससे भी ज्यादा था, क्योंकि मरते दम तक भी उसका तकब्बुर खत्म बिल्कुल नहीं हुआ। आज की नशिस्त के लिए इतना ही। बहुत से अमल के नोटी जो हैं वो हम चुनते रहते हैं, जैसे अल्लाह ने कुरान जैसी नेमत, सबसे बड़ी दुनिया की दौलत हाथों में पकड़ाई है, तब से कोई मुश्किल मुश्किल नहीं लगती, और हर जगह ये पता होता है कि अल्लाह हमारे साथ है, और जब ये यकीन हो कि अल्लाह हमारे साथ है तो बड़ी से बड़ी जंग भी आसान हो जाती है। आज 14 अगस्त कहने को जश्न आजादी, लेकिन अगर देखा जाए तो हम पहले से भी ज्यादा गुलाम हो गए हैं, गुलाम हो गए हैं ताऊती फितनों के दमा, गुलाम हो गए हैं मुशरिकों के, गुलाम हो गए हैं काफिरों के कल्चर के। हम कैसे एक दूसरे को आजादी की मुबारकबाद दें जब हम सब गुलाम हैं? ताहूद के लोग क्या कहेंगे स्टेटमेंट के, अपने खानदानों के, अपने नफ्स के भुतों के? पाकिस्तान ने हमें कुछ नहीं दिया, ये कंप्लेन तो हम हर वक्त करते हैं, लाइट जाती है, पानी नहीं है, चीजें महंगी हो गई हैं, लेकिन आज पूरा दिन सिर्फ एक दफा सोचिएगा कि मैंने पाकिस्तान को क्या दिया? हमारे सर पे ऐसे हुक्मरान हैं तो क्या हम ही उसका रीजन तो नहीं? और अगर हम उसका रीजन हैं तो इंडिविजुअली तौर पे क्या हमें बदलने की जरूरत नहीं है? क्या हम इंसान होने की हैसियत से हकीकी तौर पे आजादी नहीं चाहते? और अगर आजादी चाहते हैं तो हमें सिर्फ पाकिस्तानी होकर नहीं, मुसलमान होकर अल्लाह की शरीयत को अपने हाथों में थाम कर हर ताहूती निजाम को, हर नफसानी ख्वाहिश को पसे पुश्त डाल कर आज पाकिस्तान के लिए दुआ करनी है और अपना किरदार जरूर अदा करना। बींग मदर्स, बींग सिस्टर्स, बींग वाइफ्स, हम तरबियत कर सकते हैं नस्लों को। कोई क्या कर रहा है हमें से गर्ज नहीं, हमने क्या करना है इस पे नजरें जमानी है। अगर मैं पाकिस्तानी हूँ, उस मुसलमान मुल्क में रहती हूँ जिसकी इब्तिदा या जिसकी बुनियाद ही इस्लाम है, तो मुझे क्या बेहतरीन मुसलमान नहीं बनना चाहिए? क्या इस मुल्क का मुझ पे हक नहीं है कि मैं एक मुसलमान औरत की तरह इसमें फिरूं, या मैं हर वो काम करूं जो शैतान मुझे सिखा रहा है? आइए दुआ के लिए हाथ बुलंद करते हैं। आज बहुत स्पेशल डे है, लेकिन बहुत दुख का दिन भी है, जहां पे हम आजाद होते हुए आजाद नहीं है, अपने मुल्क के लिए दुआ करते हैं।
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا الله يا غفور الرحيم يا أرحم الراحمين. हमने खूबसूरत का बेहतरीन बाप पढ़ा, हमने जंगे बदर पढ़ी, गजवाए बदर पढ़ी, कैसे तूने मुसलमानों को ईमान दिया, कैसे वो लड़ पड़े. या अल्लाह आज हम सबको ऐसा ईमान अता कर कि हम भी हक के रास्ते पे खड़े हो जाए. या अल्लाह हमें हकीकी मुसलमान बना दे, हमें हकीकी ईमान वाला बना दे, हमारे दिल को दीन पे साबित कदम कर दे. या अल्लाह हमसे बेहतरीन दीन का काम ले ले. या अल्लाह इस मुल्क को इस्लाम के नाम पे लिया गया है, या अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम कम से कम अपने घरों में इस्लाम को राइज करें. हम मुसलमान औरतें कहलाने के लायक तो बने, हम उम्महातुल मोमिनीन के नक्शे कदम पे चलें. या अल्लाह ये पाकिस्तान ऐसा बन जाए कि इसकी तमाम बेटियां तमाम बच्चियां उम्महातुल मोमिनीन की तरह पर्दे में हो, उनके नक्शे कदमों पे चले. या अल्लाह हमारे आइडियल्स को कुफार मुशरिक नहीं बना, हमारी आंखें उम्महातुल मोमिनीन पे हो, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हो, हम दीन को फॉलो करें. या अल्लाह हमारी सिर्फ फोकस हो कि हम तुझे राजी कर लें. या अल्लाह पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया, कम से कम एक इज्जत से रहने की जगह तो दी, लेकिन हम इस मुल्क को कुछ ना दे सके. हम सबको इंडिविजुअली और कलेक्टिवली ऐसा बना दे कि हम अपने मुल्क के लिए बेहतरीन काम कर सकें. या अल्लाह इस मुल्क को सलामत रखना, या अल्लाह हमारी इज्जतों को सलामत रखना, या अल्लाह इसको इस्लाम का गहवारा बना देना. या अल्लाह हमें हमारी आने वाली नस्लों को हमारी औलादों को बेहतरीन दीन का काम करने वाला बना देना. या अल्लाह तू हमसे राजी हो जाना, हमारे दिल में ईमान इतना बढ़ा देना कि बदर में जब मुसलमान सहाबा जानते थे कि तादाद कम है, हम कमजोर हैं, फिर भी वो लड़ पड़े थे, हम भी तेरी राह में ऐसे ही लड़ पड़े. हम अपना दिल जान अपना जिगर अपना नफ्स अपना सब कुछ तेरी राह में लुटा दें. या अल्लाह हमारी कोशिशों को कबूल फरमाना, या अल्लाह इन टूटी फूटी कोशिशों को कबूल कराना. या अल्लाह हमें हक के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाना और इस पाकिस्तान को हकीकी तौर पे आजाद कर देना, इसको शैतान के चंगुल से निकालना, फितने दज्जाल से बचा लेना और हम सबको इसमें अपना अपना हिस्सा डालने की तौफीक अता करना. या अल्लाह हमसे राजी हो जाना. आमीन सुम आमीन. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. आज की नशिस्त के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली नशिस्त पे फिर मुलाकात होगी. जिंदगी रही तो अल्लाह सुबहान तआला पढ़ने पढ़ाने में समझाने में जो गलतियां मेरे से हुई हैं मुझे माफ फरमाए. या अल्लाह मेरी पकड़ना फरमाना. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.